नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत प्रजापति आपका मार्ट डिजिटल सेवा में स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाणा पुलिस के वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसके फॉर्म 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 12/6/2019 से प्रारंभ होने वाले हैं दोस्तों। उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है। दोस्तों आपको उसके लिए क्या क्या रखना है अपने पास और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस किस स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, और क्या क्या क्राइटेरिया है दोस्तों, उसके फिजिकल्स क्या हैं और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस इसी के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाओगे दोस्तों तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो नोटिफिकेशन में सबसे पहले प्राप्त नहीं हो पाएंगे दोस्तों, और आप उनसे वंचित रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों। तो उसका मैं आपको ये दोस्तों आपका हरियाणा पुलिस जो सिलेक्शन बोर्ड है दोस्तों, हरियाणा SSC बोलते हैं इसको, हरियाणा SSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइज दिए हुए हैं दोस्तों, आपका पुलिस का भी दिया, क्लिक ईयर टू पुलिस रिक्वायरमेंट दोस्तों, अप्लाई जॉब ऑनलाइन दोस्तों ये दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से का इंटरफेस आएगा दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन आपके सामने इस तरीके से आ रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए दोस्तों, फॉर्म कल से स्टार्ट होंगे तो दोस्तों यहाँ पे तब देखेंगे दोस्तों। इस दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होने के बाद मैं दोस्तों आपको उसका वीडियोस लाइव बना के दूंगा दोस्तों, आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना रहेगा वो सब मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जो जानकारियाँ हैं दोस्तों आपको मैं PDF के द्वारा जो उसका नोटिफिकेशन आया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन ये है दोस्तों, एडवर्टाइज दोस्तों 6/2019 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये दोस्तों आपका आया है, जिसका पब्लिश डेट 9/6/2019 को हुआ है दोस्तों, और ओपनिंग जो फॉर्म है अप्लाई वो 12/6/2019 से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और क्लोजिंग डेट दोस्तों आपकी 26/6/2019 तक चलेंगे दोस्तों, 11:59 PM सुबह, सॉरी नाइट के 11:59 तक चलेंगे दोस्तों, और क्लोजिंग डेट दोस्तों डिपॉजिट ऑफ फीस डिपॉजिट फीस का जो 28/6/2019 रहेगा। और दोस्तों किस तरीके से आप डिपॉजिट कर पाएंगे फीस, तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है दोस्तों। इसमें आपको दिया है इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको एक चार्टेड दिया है, आप इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप सीधा आगे नीचे चल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों जो पोस्ट हैं दोस्तों वो ऑनलाइन पोस्ट 6400 पोस्ट जो निकली हुई है ग्रुप सी के अंतर्गत दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट मेंशन अंडर द पैराग्राफ 2.1 थ्रू द URL एड्रेस दोस्तों, जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस से आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। इसका मैं दोस्तों लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों मैं इसका जो वीडियो है मैं कल आपको लाइव करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा, और दोस्तों कितना क्या साइज फोटोज का, इमेजेस का, डॉक्यूमेंट्स का क्या रहेगा, मैं सब दोस्तों आपको कल क्लियरिफाई करके बताऊंगा दोस्तों। आज तक मैं आपको सिर्फ इसका नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को देखिए और जानकारी का जो भी है उसको कलेक्ट करके रखिए अपने पास, कल फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये आपको दिया है मैंने लास्ट डेट वगैरह सब बता दिया आपको किस तरीके से, और लिंक भी दिखा दी आपको, इस लिंक से अप्लाई करना रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं जो नीचे है, आप चले आओ नीचे दोस्तों, आपको दिखेगा स्पेशली इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर फिलिंग एप्लीकेशन दोस्तों, आपको ये यहाँ से अप्लाई करना है दोस्तों, और ये लिंक से अप्लाई करने का दोस्तों आपको अपनी जो जानकारी है वो फिल करनी है, बेसिक जानकारी है वो फिल करनी है। फिल करने का दोस्तों आपको बता दें इसमें दोस्तों क्या है, जो है 5000 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स जनरल ड्यूटी GD के लिए हैं दोस्तों, और 1000 पोस्ट महिलाओं के लिए फीमेल के लिए हैं दोस्तों, जिसमें जनरल की 1800, SC की 902 से इस तरीके से सब चीज़ की दोस्तों इसमें दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें अलग अलग एरिया सॉरी अलग अलग जो भी हैं कैटेगरी हैं उसके आधार पर दोस्तों सीट्स पहले से डिवाइड कर दी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अगर इसके जो रहेगा क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपको 10+2 और यार इक्विवेलेंट रिकॉर्गनाइजेशन बोर्ड ऑब्लिक इंस्टीट्यूट जो भी है आपका रिकॉर्गनाइजेशन बोर्ड से होना चाहिए दोस्तों, 10+2 आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों, और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और एज वन ऑफ सब्जेक्ट और हायर दोस्तों। और सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आपका जो मैट्रिक है 10वीं क्लास है वो आपका हिंदी और संस्कृत के साथ में चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो अपने हाइट और चेस्ट है दोस्तों फिजिकली है, फिजिकल क्या है दोस्तों 170 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए दोस्तों, और चेस्ट 83 सेंटीमीटर, और अब और एक्सपेंडेड जो फुलाने के बाद दोस्तों 87 होना चाहिए, और एक्सपेंडेड जो 4 सेंटीमीटर का है वो फुलाओ के 83 के बाद 87 होना चाहिए कम से कम,
और दोस्तों 168 सेंटीमीटर फॉर द एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी। दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी जो भी है दोस्तों, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसका 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 85 एक्सपेंडेड चाहिए दोस्तों, और फुलाके चाहिए 85 और नॉर्मल 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए दोस्तों। फीमेल के दोस्तों 158 सेंटीमीटर जनरल 158 का चाहिए दोस्तों हाइट चाहिए। और इसमें दोस्तों नॉट एप्लीकेबल है चेस्ट, चेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जितना भी हो चलेगा। ऐसे दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी 156 है दोस्तों महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए दोस्तों, और उनके लिए जो दोस्तों चेस्ट का है वो क्राइटेरिया है नॉट एप्लीकेबल है दोस्तों। और दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल भी ऑफ द क्वालिफिकेशन नेचर ओनली दोस्तों, जो है फिजिकल उसके नेचर पर होगा दोस्तों। और एज है 18 से 25 ईयर होना चाहिए। वन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल 1/6/2019 दोस्तों, 1/6/2019 की स्थिति में कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो एक्स में हैं और दोस्तों उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होगा दोस्तों। द ब्रेक द सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड द बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1/6/2019 इन विच एनरोल प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल नॉट बी एक्सेप्ट फॉर 4 ईयर एज पर रूल दोस्तों, उनको 4 साल का जो है मिलेगा दोस्तों। पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के आधार पर उनको जो एक्समैन है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों एज में 4 साल का दोस्तों। नोट सेकंड है दोस्तों, उसमें दिया है दोस्तों आपको फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूलिंग कास्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी रिलैक्सेशन द अपर एज ऑफ लिमिट ऑफ 5 ईयर दोस्तों। एससी और एसटी के लिए दोस्तों 5 ईयर एज का जो है रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हर जगह चल रहा है दोस्तों, वो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन ये रिलैक्सेशन दोस्तों वहीं के हरियाणा जो मूलवासी हैं उनको ही मिलेगा दोस्तों, अदर स्टेट वालों को ये नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इसका पे स्केल है दोस्तों 21,700 से लेकर के 69,100 लेवल 3 का है दोस्तों। तो दोस्तों उसका जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 3 दोस्तों 4 सपोर्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसमें सब दोस्तों सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी है दोस्तों, एसआई की 400 पोस्ट है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए और मैट्रिक हिंदी और संस्कृत के साथ में चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप आगे चलते हैं, इसमें दोस्तों क्या चाहिए, मेल के लिए वो हाइट 170 दोस्तों और 83 चेस्ट और 4 सेंटीमीटर फलाव के साथ चाहिए दोस्तों। और इधर आपको 168 रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए और नौ और उसके 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर के साथ में फलाव के 81 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों, 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये तो हो गया एसआई का और मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए एसआई में दोस्तों इसमें नहीं दिया शायद, अगर दिया होगा दोस्तों मैं आगे बताऊँगा, नहीं दिया वैसे जहाँ तक है। तो दोस्तों इसमें जो हाई एज है दोस्तों वो 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच में होना चाहिए, जो कि आपके 1/6/2019 की स्थिति में मापन की जाएगी दोस्तों। और एक्समैन के लिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो एमपी सॉरी जो हरियाणा पुलिस का पुलिस के लिए है कॉन्स्टेबल के लिए, वही सेम इसके अंतर्गत भी है दोस्तों, 4 ईयर का आपको मिलने वाला है रिलैक्सेशन। और दोस्तों एस सी एस टी के लिए 5 ईयर का मिलने वाला है दोस्तों। नोट एज पर द सेक्शन 5A ऑफ द हरियाणा पुलिस नॉन रजिस्टर्ड एंड द अदर रैंक सर्विसेज रूल 2017 एमेंड द अप टू 2018 द अपर इज लिमिट फॉर द रिक्वायरमेंट इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू ऑल डिपार्टमेंट सर्विसेज एल वी 13 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 35 ईयर फॉर द बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट एंड द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स दोस्तों। एज का जो रिलैक्सेशन है दोस्तों वो 30 ईयर्स दिया है दोस्तों जो हरियाणा कैंडिडेट्स सॉरी हरियाणा जो एमपी पुलिस में कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों, और 35 जो है ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे शेड्यूल एंड शेड्यूल कास्ट एसटी के लिए दोस्तों, इसका पे स्केल है दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,000 सॉरी 1,12,400 रुपये लेवल 6 सेल फर्स्ट, ये पे स्केल है दोस्तों। अब आती है दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट दोस्तों, तो कैटेगरी ऑफ पोस्ट जनरल और ये दोस्तों आपका फीस का जो दिया है दोस्तों, आपको फीस डिटेल किस तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 100 रुपये ठीक है, और जनरल में दोस्तों, और फीमेल के लिए 50 रुपये, और जो कैटेगरी नंबर 3 का जो है 1 और 2 के लिए ये है, और 3 के लिए 150 दोस्तों। और ये दोस्तों 3 में दोस्तों आपका आएगा एसआई के लिए, और ये दोस्तों आपके लिए क्या बोलते हैं पुलिस के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए जीडी के लिए दोस्तों, और ये आपका एसआई के लिए है दोस्तों। तो एसआई का जो फीस है 150 और 75 फीमेल के लिए है, और मेल के लिए 150 रुपीज़ है। और इधर दोस्तों एस सी एस टी के लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 25 रुपये और फीमेल के लिए 13 रुपये है दोस्तों इस तरीके से, और एक्समैन के लिए नो चार्जेस हैं दोस्तों इस तरीके से दोस्तों। ये फीस का जो फीस है वो बता दी दोस्तों मैंने, और कैटेगरी के आधार पर दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से
वो है कि देखना है दोस्तों, और क्या है कितने किस तरीके से रखना है। और दोस्तों इसमें अब आता है दोस्तों आपका फिजिकली और पीएचटी के लिए दोस्तों, कैंडिडेट्स इक्वली स्क्रीन 07 टाइम द नंबर ऑफ द वैकेंसी इन द ईच कैटेगरी शैल बी डिक्लेयर टू हैव क्वालिफिकेशन द नॉलेज टेस्ट केटी। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द नॉलेज टेस्ट शैल बी पुट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच वुड बी ओनली क्वालिफाई इन द नेचर टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड द अंडर्स द स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब फॉर द टेस्ट शैल बी एज अंडर। दोस्तों इसके अंदर क्या बताना है आपको, जो आपका फिजिकल टेस्ट है, आपको टेस्ट में दोस्तों जो भी जजमेंट होगा उसके आधार पर आपका होगा। और कैंडिडेट्स दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए जो डिस्टेंस चाहिए 2.5 किलोमीटर्स का है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट करना है दोस्तों, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का है दोस्तों वो 6 मिनट में कंप्लीट करना है दोस्तों, और एक्समैन के लिए 1 किलोमीटर है वो 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा दोस्तों। और तो दोस्तों इस तरीके से ये था आपका क्या नाम है रेस के लिए दोस्तों, और रनिंग के लिए था। और उसके बाद दोस्तों आपका सी जो नंबर है उसमें चलता है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हैविंग द रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस और टू अंडर अंडरगो दिस टेस्ट रेस्ट अपॉन द कैंडिडेट। दोस्तों इसके बाद इसका मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों, मेडिकल टेस्ट होने के बाद दोस्तों आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद दोस्तों आपका जो है ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी अलाउड टू द टेक पार्ट इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। दोस्तों सिलेक्शन के पार्ट में वही सिलेक्ट हो पाएंगे दोस्तों जिनका फिजिकल क्लियर होगा दोस्तों। और दोस्तों नोट दिया द कैंडिडेट बिलोंगिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्समैन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर कैटेगरी आर द रिक्वायरमेंट टू कम्प्लीट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। दोस्तों जो भी है जो फिजिकल एक्समैन है उनको दोस्तों फिजिकल से शायद निजात मिल सकती है दोस्तों, बिलोंग टू देयर एस्पेक्ट कैटेगरी जनरल एस सी बी सी बी सी फर्स्ट प्रोसेस होल्डिंग फिजिकली स्क्रीन टेस्ट एंड द इंडस्ट्रिंग सेल बी नोटिफाइड सेपरेटली बिफोर द पीएसटी। दोस्तों पीएसटी के बाद उनको स्पेशली इन्फॉर्म किया जाएगा क्या होना है दोस्तों, इसमें अभी क्लियर नहीं किया है। तो दोस्तों इसके फिजिकली मेजरमेंट और टेस्ट ऑफ पीएमटी जो इस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों जो जानकारी है वो भरी जाएगी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मैं नीचे आता हूँ दोस्तों, आपको दिखाता हूँ क्या रहेगा दोस्तों। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको बताने जाना, इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से और कितना अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्कैन कॉपी ऑफ द इनिशियली एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो इनिशियल है उस क्वालिफिकेशन को करना है दोस्तों, और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन शोइंग द डेट ऑफ बर्थ एंड द अदर रिलेवेंट डिटेल्स। तो दोस्तों इसमें 10th क्लास की मार्कशीट इसमें स्कैन करनी है दोस्तों, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, या फिर दोस्तों आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट आप कर सकते हो। और दोस्तों सेकंड नंबर पर आपका आता है स्कैन कॉपी ऑफ द एस सी बी सी बी सी बी ई डब्ल्यू एस ई एस एम डी ई एस एम डी एफ एफ, अगर इन कैटेगरी में से आप किसी में भी आते हो तो उसका दोस्तों आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दोस्तों, एलॉन्ग विद द हरियाणा डोमिशियल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों अगर हरियाणा से डोमिशियल करते हो तो आपको ये देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं देना, आप ऑटोमेटिक ही ओपन कैटेगरी में पहुंच जाएंगे दोस्तों। तीसरा नंबर दोस्तों आपका आता है स्कैनिंग कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज ऑब्लिक मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड द एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द हरियाणा डोमिशियल सर्टिफिकेट इशूड बाई द कंपिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों आपके पास हरियाणा डोमिशियल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, वो भी स्कैन होगा दोस्तों। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका आता है दोस्तों आपका फोटो साइन कैंडिडेट का वो होगा दोस्तों, ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, और दूसरा होगा दोस्तों आपका सिग्नेचर, और लास्ट में आपका 6th नंबर पर दिया है स्कैन कॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस ई टी सी ऑन विच बेसिस कैंडिडेट क्लेम मार्क्स। दोस्तों आप जो भी अगर आप आपकी हायर क्वालिफिकेशन है दोस्तों तो आप हायर क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब स्कैन करके आपको लगाने होंगे दोस्तों, सिक्योरिटी जो जितने भी सिक्वेंस लिए उस तरीके से लगाने हैं दोस्तों, जो भी सिक्वेंस में मांगे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को आपको किस तरीके से करना है दोस्तों, इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं लाइव फॉर्म आपको कल भर के दिखाऊंगा, कल फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको लाइव दिखा पाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर करके बताया होगा इसके वीडियो के माध्यम से दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद भी आएगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। और दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए माँ डिजिटल सेवा के साथ।